हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आज आपका फिर से वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार ऐसे ही मुझ पर रहने दीजिए। हम बहुत ही जल्दी 15,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं। ये जो हमारा विषय है आज का, ये टैबलेट क्लोरोक्वीन और टैबलेट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जो क्लोरोक्वीन का एक डेरिवेटिव है जिसे हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कहते हैं। दोस्तों, इस दो ड्रग्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये दोनों ड्रग्स जो है ये एंटी मलेरियल ड्रग है। बट इनकी बात हम आज इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज हमारे कंट्री में या हमारे पूरे आजू बाजू अतराफ में या पूरे वर्ल्ड में आज एक पैंडमिक सामने आया है जिसका नाम है कोरोना वायरस इन्फेक्शन, COVID-19 SARS-CoV-2। ये जो इन्फेक्शन है पूरे वर्ल्ड को आज सता रहा है दोस्तों, उसी के चलते हम आज जो है ये COVID-19 की ट्रीटमेंट में जो सब में इम्पॉर्टेंट आज ड्रग सामने आ रहा है वो एंटी मलेरियल ड्रग का जो है यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है दोस्तों, जिसका नाम है क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने क्लोरोक्वीन के बारे में एक वीडियो बनाया था। जैसा आप सबको पता होगा कि क्लोरोक्वीन के बारे में डोज बताया था मैं आपको, तो क्लोरोक्वीन के बारे में थोड़ा बताऊँगा दोस्तों। ये जो है एंटी मलेरियल ड्रग है, इसको हम जो है एंटी मलेरियल तो ये काम करता है दोस्तों, फिर बाद में ये जो है एंटी पैरासाइटिक भी ये काम करता है। डेफिनेटली ये जो मलेरिया है, जो एक वायरल डिसीज़ है, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है दोस्तों। उसी तर्ज पर जो है ये करोना वायरस में भी ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है दोस्तों, और बहुत से पेशेंट जो है इसके वजह से बाहर भी आ रहे हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इसका आज डिमांड बहुत है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अब्रॉड में, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है इसकी मांग की थी दोस्तों, और उसको हमने सप्लाई भी किया है शायद। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन उन्होंने भी ऐसा बताया था कि इस बेस्ट एंटी मलेरियल ड्रग, यानी बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट ड्रग, ऐसा उन्होंने बताया था दोस्तों। तो ये वाकई में एक बेस्ट ड्रग है दोस्तों। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन जो है, क्लोरोक्वीन का डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन के डोज के बारे में तो आपको पता है दोस्तों, ये 250 mg के फॉर्म में भी टैबलेट मिलता है और 500 के फॉर्म में भी टैबलेट मिलता है दोस्तों, और इसका सिरप भी मिलता है दोस्तों क्लोरोक्वीन का। तो क्लोरोक्वीन के डोज के बारे में आपको बताऊंगा। आपको जैसा पता है कि डे वन में हम 1,500 देते हैं, डे टू में 500 mg देते हैं और डे थ्री में हम 500 mg देते हैं दोस्तों। तो ये एंटी मलेरियल डोज है, तो वैसे ही हम जो है, और इसका आप अल्टरनेट देखेंगे तो हम 1,000 mg जो है स्टार्ट में देते हैं, फिर 5-6 घंटे के बाद 500 mg देते हैं। इस तरीके से 1,500 mg हम डे वन में कंप्लीट करते हैं और दूसरे दिन 500 mg देते हैं और तीसरे दिन 500 mg। ये एंटी मलेरियल ड्रग है। बात करते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का रोल अभी तक तो हम बहुत ही कम चीज़ों में करते थे दोस्तों। ये जो है एक रिमेटाइड आर्थराइटिस में इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का यूज़ हम करते थे। आपको जैसा पता होगा, आपने सुना भी होगा टैबलेट HCQS 200 mg, और हम इसको जो है डिमांड में, डिमांड का लॉन्ग फॉर्म में आपको बताऊंगा, डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक एजेंट्स को ये डिमांड में ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को हम शामिल करते थे दोस्तों अभी तक, और इसको ओडी डोज में हम अंटिल 6 मंथ भी हम इसको दे देते थे दोस्तों। लेकिन अभी जो है हम इसको जो है ऐसा इसमें, जैसा हमारा ICMR है, इंडियन काउंसिल जो है, उन्होंने भी ये फार्मूला हमें दिया है, और हमारे जो NRHM के डिपार्टमेंट के हेड हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी हमें महाराष्ट्र के लोगों को ये ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस बहुत दिया है दोस्तों। हम सब ने देखा होगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का एक नया डोज आपको करोना वायरस में वापरने के लिए वो बता रहे हैं। जैसा कि इसमें बता रहे हैं कि फर्स्ट डे 400 mg, एक टैबलेट इसका 200 mg का मिलता है। तो फर्स्ट डे 400 mg ये BD में देना है, 400 mg 1, 400 mg 2, मतलब पहले दिन 800 mg, और दूसरे दिन से लगभग 5वें दिन तक 200 mg BD, ऐसा ये डोज इन्होंने बताया है कोरोना वायरस में। और अलग अलग डोज इसमें ये लोगों ने बताया दोस्तों, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है और बहुत से लोग जो है इसको वापर रहे हैं, और अच्छा भी है। लेकिन दोस्तों, इसको बिना वजह कोई भी नहीं वापरना है। इसका रिज़ल्ट आ रहा है, इसका मतलब आप किसी भी पेशेंट को मत दीजिए, क्योंकि ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। ये कार्डियक पेशेंट में ये कार्डियक अटैक्स को एलिवेट कर सकता है, कार्डियक रिदम्स को बिगाड़ सकता है, जिसको एरिथमिया कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है कार्डियक एरिथमियास, अपने चैनल पे वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये कार्डियक अरिथमियास में क्या अरिथमिया पैदा कर सकता है दोस्तों, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया बना सकता है, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन बना सकता है। इसमें मोस्टली ऐसा बताया है कि क्यूटी इंटरवल को ये प्रोलॉन्ग कर सकता है। तो एज ऑब्वियस अगर किसी पेशेंट को आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हैं तो उसका ECG मॉनिटरिंग आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों ये जो है ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये इसको ऑटोइम्यून ड्रग कहा जाता है, अंदर से ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसा कि क्लोरोक्विन के बारे में तो मैंने आपको बताया दोस्तों, पेडियाट्रिक में आप यूज़ कर सकते हैं, आपको वर्म्स है, पैरासाइट्स है, प्रोटोजोआ है, उसमें भी वो अच्छा काम करता है दोस्तों। तो एब्डोमिन में भी क्लोरोक्विन का यूज़ अच्छा है दोस्तों। तो क्लोरोक्विन हो या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, अभी के टाइम में, फिलोखत के टाइम में दोस्तों, ये हमारे लिए जो है पूरे वर्ल्ड के लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग बन के उभर रहे हैं दोस्तों। लेकिन बिना वजह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन का यूज़ ना करें। क्लोरोक्विन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा तो मैं, ये जो है हमारे आइज़ के ऊपर थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं जब ये हम लेते हैं टैबलेट या इंजेक्शन के फॉर्म में, तो हमें ब्लरिंग ऑफ विजन या कुछ टाइम के लिए हमें जो है हमारे आंखों के सामने जो है हमको दिखता नहीं है दोस्तों, जिसको हम ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो वो थोड़े टाइम के लिए आता है, जब भी आप क्लोरोक्विन दे रहे हो या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हो तो आप उसके आंखों की तरफ, विजन की तरफ ध्यान रखें, क्यूटी इंटरवल्स की तरफ ध्यान रखें, ECG की तरफ ध्यान रखें, कार्डियक प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान रखें दोस्तों। दोस्तों बीच में ऐसा भी कहा गया था कि जो भी डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस ये कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वो भी ये प्रोफिलैक्टिक्स बोलकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं, और कुछ लोगों को अटैक्स भी आए थे दोस्तों। तो विदाउट एनी रीज़न आप ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मत खाइए, बिकॉज दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्लोरोक्विन से ज़्यादा डेंजरस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है दोस्तों। कैसे रहता है, कोई भी चीज़ आप अगर ओवरडोज पे लेंगे तो आपको डैमेज करेगा ही। इवन क्लोरोक्विन आप सिंपल डोज में लेंगे 250 mg BD तो आपको कुछ भी नहीं होगा, बट आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 800 mg एक दिन में खा रहे हो तो ये तो बहुत ज़्यादा डोज है दोस्तों। बट दोस्तों अगर किसी पेशेंट को सच में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उस चीज़ में हमें उस पेशेंट को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना है दोस्तों। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपका सपोर्ट, आपकी दुआएं हमारे साथ रहने दीजिए दोस्तों, और हमें लगभग हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिए, हमारे वीडियोस को आगे शेयर करते जाइए, ऐसे ही हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे रहने के लिए, हमारे